कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों। मैं हेमलता ठाकुर शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय जिला राजनाथ गांव से पद्मश्री श्रीमती फुलबासन जी चंदूलाल यादव के संघर्षों की बकरी की हाक से लेकर पद्मश्री की धाक तक की कहानी में उसका परिचय करवाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। राजनांदगांव जिला से सटे हुए सुकुल देहान की गलियों में अपने ही जैसे संघर्षशील महिलाओं को समेटकर उनमें आत्मविश्वास जगाया और उन्हें आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाया। 2012 में पद्मश्री, 2004 में मिनी माता सम्मान व 2008 में जमुना लाल बजाज अवार्ड जब राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा एक महिला के द्वारा दूसरी महिला शक्ति को पहचान मिली। माँ बम्लेश्वरी जनहितकारी समिति द्वारा प्रायोजित माँ बम्लेश्वरी समिति फाफा मार्ग के प्रशिक्षण केंद्र में मुनगे के पौधों की उत्पादन किया जा रहा है। इन पौधों को यहाँ के लोगों में निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसमें आवश्यक मात्रा में आयरन पाया जाता है जो गर्भवती और किशोरियों के लिए अति आवश्यक होता है। इसका सेवन करके अपने पोषण स्तर और इसका विक्रय करके अपने आर्थिक स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस समिति के द्वारा ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन किया जा रहा है जिनमें पौधों के लिए आवश्यक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कार्बन, कैल्शियम और अमीनो एसिड की उचित मात्रा पाई जाती है। इस समिति के द्वारा जिमीकंद का भी उत्पादन किया जा रहा है। गत वर्ष इस समिति के द्वारा 2 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त हुआ। बकरियों का पालन भी किया जा रहा है जिसकी लगभग 150 इकाई कार्य कर रही है जो लगभग 10 लाख प्रति वर्ष का मुनाफा प्राप्त कर रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पद्मश्री श्रीमती फुलबासन जी यादव द्वारा 10 महिलाओं की चिंगारी आज पूरे 2 लाख महिला संगठन का रूप ले चुकी है। इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रेरणा तो स्वयं से ही, 7 साल की उम्र से सोच रही से। एक चिंगारी को एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई? एक महिला तो एक लकड़ी की तरह होते, एक लकड़ी आसानी से तोड़े जा सकती, 15-20 लकड़ी लगट्ठा बांध दी जाए तो काकरों में ताकत नहीं तोड़ सकती। मन में ढेर इच्छा शक्ति लगा और खुद के प्रति एक भरोसा विश्वास लेके ये संगठन आगे बढ़ा, समिति बना के महिलाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद आप क्या महसूस कर रही हैं? सुकून नहीं है, जे दिन सुकून हो जाए फिर काम करे मजा ही नहीं आए। और छत्तीसगढ़ से जुड़े बहनी मन पर आपके संदेश? बस ये कहूँ की जिंदगी में हम डर की जिंदगी ना जी। बोलते कि नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, और नारी से नर होते ध्रुव पहला समान। फूल बनकर मत जियो, मुरझाओगे कुचल दिए जाओगे, जीना है तो पत्थर बनकर जियो, तरासे गए तो खुदा कहलाओगे। धन्यवाद।